हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभय, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांच के लेंस और फाइबर के लेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको चश्मा लगता है या आपके घर में किसी को चश्मा लगता है तो आप किसी ऑप्टिशियन में जाते हैं तो ऑप्टिशियन आपको लेंस के कई सारे ऑप्शन दे देता है, जैसे कांच का लेंस, फाइबर लेंस, हार्ड कोट, ARC, ब्लू कोट जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे देता है। फिर आपको लेंस को चूज करने में समस्या होती है और कभी कभी आप गलत लेंस भी चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको कांच के लेंस और फाइबर के लेंस में डिफरेंस बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों लेंस को समझने में आसानी हो। तो अब हम बात करते हैं कांच के लेंस की। जो हमारे कांच के लेंस होते हैं इनमें क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इनमें ट्रांसमिशन ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी डॉक्टर भी आपको ये लेंस, कांच के लेंस लगाने के लिए अलग से रिकमेंड इसी वजह से कर देते हैं क्योंकि इसमें क्लियरिटी आपकी ज़्यादा अच्छी होती है फाइबर लेंस की अपेक्षा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांच के लेंस की। तो जो हमारे कांच के लेंस होते हैं ये वेटेड होते हैं, फाइबर के लेंस हल्के रहते हैं। वेटेड होने की वजह से आपका चश्मा बार बार आगे खिसक आता है, जिसको कि आपको बार बार पीछे खिसकाना पड़ता है और आप इरिटेट होकर के कभी कभी चश्मा उतार भी देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगर आपका माइनस का पावर है और 8, 10 नंबर, 15 नंबर का पावर है, तो जो आपके कांच के लेंस रहते हैं वो साइड में देखने पे आपके पतले रहते हैं, जिससे कि फ्रेम में बाहर किनारा नहीं दिख। जबकि फाइबर के अगर आप नॉर्मल लेंस चूज करते हैं तो वो लेंस आपके मोटे हो जाएंगे, साथ ही लेंस का किनारा फ्रेम के बाहर दिखाई देता है, तो आपका चश्मा थोड़ा सा भद्दा लगता है। जिसकी वजह से अगर आप फाइबर लेंस ले रहे हैं तो आप हाई इंडेक्स लेंस चूज कर सकते हैं, हाई इंडेक्स लेंस आपके पतले होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो कांच का लेंस है गिरने से ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि फाइबर के लेंस आपके इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, टूटने की कोई संभावना नहीं रहती। बहुत ही फोर्सफुली गिरा तभी आपका चश्मा टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटता है। नेक्स्ट बात करें तो जो आपका कांच का लेंस है ये फ्रेमलेस चश्मे में नहीं लगते हैं। जो मैं चश्मा लगाया हूँ इस चश्मे में कांच के लेंस फिट नहीं होते, जबकि जो आपके फाइबर के लेंस हैं यह आपके सारे चश्मों में फिट हो जाते हैं। जो हमारा कांच का लेंस होता है इसमें स्क्रैचेस भी कम आते हैं फाइबर के लेंस की अपेक्षा। फाइबर के लेंस में थोड़े से ज़्यादा स्क्रैच आते हैं कांच लेंस की अपेक्षा। अगर आपके चश्मों में स्क्रैच बहुत आते हैं तो आप कांच का लेंस चूज कर सकते हैं। जो हमारा कांच का लेंस होता है ये हार्ड कोट ARC फोटोक्रोमिक इन्हीं कोटिंग में आता है, जबकि फाइबर का लेंस हार्ड कोट ARC ब्लू कट पोलराइज्ड पॉलीकार्बोनेट बहुत सारी कोटिंग्स में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांच के लेंस की। तो जो कांच के लेंस धूप में पावर वाले चश्मे बनते हैं उनमें जो टिंट होता है, जो कलर होता है, उसमें फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पाती, साथ ही आपको टिंट के बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते कांच के लेंस के लिए, जबकि फाइबर के लेंस में फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती और आपको टिंट के भी कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, आप अपनी मनपसंद टिंट चूज कर सकते हैं। जो आपके कांच के लेंस होते हैं ये हमारी आई को इंजरी भी कर सकते हैं, खासकर बच्चों और स्पोर्ट पर्सन को। अगर आपकी आँख में कुछ लग गया तो आपका चश्मा टूट सकता है और टूटने के बाद कांच आपका बिखर जाता है, और अगर आपके कांच के पार्टिकल आँख में लग गए तो इंजरी भी कर सकता है, जबकि फाइबर का लेंस ऐसा नहीं। अगर किसी तरह से आपका फाइबर का लेंस टूट भी जाता है तो वो बिखरता नहीं, जिससे कि आई इंजरी नहीं होती, साथ ही यह आई को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगर आपकी एक आँख में पावर ज़्यादा है, एक आँख आपकी अफेकिक है, एक आँख स्यूडोफेकिक है, एक आँख जीरो पावर है, या 1-2 नंबर का पावर लगा हुआ है, तो आपका जो कांच का चश्मा बनेगा तो आपका एक तरफ झुका हुआ रहता है, जबकि फाइबर का लेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका फाइबर चश्मा बनेगा वो आपका बैलेंस रहेगा, जिससे कि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जो अगर आप कांच का चश्मा बनाते हैं तो आपको बार बार उसको सही करना पड़ता है, जबकि फाइबर के लेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको कई सारे डिफरेंस बता दिए हैं कांच के लेंस और फाइबर के लेंस में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप क्या सजेस्ट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको फाइबर का लेंस ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी आई को प्रोटेक्ट करिए, आई को इंजरी से बचाइए, इसलिए आप फाइबर का लेंस चूज कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कांच लेंस के लिए तो आप कांच का लेंस भी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कांच लेंस और फाइबर लेंस में डिफरेंस बता दिया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।